हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आईसीएमआर के निदेशक बलराम भार्गव बोले, लॉकडाउन से हमने कोरोना को रोका, लेकिन 3 मई के बाद मरीज बढ़ेंगे या घटेंगे कह नहीं सकते। एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा, सर्दी जुकाम वाले मरीज अब डरकर अस्पताल नहीं आ रहे। कोरोना को धीरे धीरे हरा रहा है देश। पिछले 14 दिनों में 23 राज्यों के 78 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया। देश भर में कोरोना वायरस बीमारी से मरने वालों की संख्या 750 के पास पहुंची। 21,000 से ज्यादा मरीज हैं, 4,250 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में गुजरात नंबर 2 पर पहुंचा। पूरे राज्य में 2,400 से ज्यादा केस हैं, सिर्फ अहमदाबाद में ही 1,500 मरीज हैं। वडोदरा के अस्पताल से 45 कोरोना मरीजों की इलाज के बाद छुट्टी हुई। ये सब दूसरे मरीजों के इलाज के लिए ब्लड प्लाज्मा देने को तैयार। राजस्थान में कोरोना के 49 नए केस आए। मरीजों की कुल संख्या करीब 2,000 के पास, 400 से ज्यादा ठीक भी हुए हैं। जोधपुर में पुलिस ने रात को निकाला रूट मार्च। मध्य प्रदेश के भोपाल से राहत देने वाली खबर आई है। यहां चिरायू अस्पताल से एक साथ 44 मरीजों की छुट्टी हुई, इनमें से 22 पुलिस वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आज 24 नए केस आए हैं। जमात के संक्रमितों की संख्या 1,000 के पार है। मुरादाबाद में 30 से ज्यादा पुलिस वाले क्वारंटीन हुए हैं। दिल्ली से नोएडा आने वालों की अब सिर्फ कर्फ्यू पास से हो रही है एंट्री। आज डीएनडी फ्लाईवे पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। दिल्ली में करीब 90 नए केस आने से कोरोना मरीजों की संख्या 2,250 के पास पहुंची। दिल्ली में करीब 90 इलाके सील हो चुके हैं। लॉकडाउन के बीच सरकार ने मोबाइल रिचार्ज, किताबों की दुकान और गर्मी की वजह से पंखे कूलर की दुकानें खोलने की अनुमति दी। दिल्ली में जमातियों को इकट्ठा करके कोरोना फैलाने का आरोपी मौलाना साद अब तक फरार है। यूपी के शामली में पुलिस ने आज फार्म हाउस पर छापा मारा। विवाद के बाद से मौलाना साद फरार था। ऑडियो जारी कर कई बार खुद को क्वारंटीन बताया, कई बार आरोपों पर सफाई दी, लेकिन सामने नहीं आया। बिहार के सुपौल में राशन बंटवारे में गड़बड़ी से नाराज लोगों का प्रदर्शन, टायर जलाकर विरोध जताया। लॉकडाउन के बीच भारी भीड़ भी जुट गई। बिहार के हाजीपुर में रेलवे फैक्ट्री में मजदूरों का प्रदर्शन। लॉकडाउन में फैक्ट्री चलाने के बाद भी मजदूरों को नहीं दिया गया वेतन। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने वीडियो जारी कर शिकायत दर्ज की। कोरोना मरीज पर बदसलूकी का आरोप लगाया। लखनऊ में काम करने आए मध्य प्रदेश के मजदूरों का बुरा हाल है। सीवर पाइपलाइन में रहने को मजबूर, खाना भी नहीं मिलने का दावा किया। पंजाब के लुधियाना में पेस्टिसाइड ना मिलने से इस बार काफी फसल बर्बाद हुई है, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की वजह से बिहार में चाय बागानों पर भी असर पड़ा है। बागानों में लगी चाय की पत्तियां बर्बाद, किसान मांग रहे हैं मुआवजा। कोटा में फंसे करीब 3,500 छात्रों को मध्य प्रदेश लाया गया। बस से उतरने के बाद छात्रों की स्क्रीनिंग हुई, 14 दिन तक क्वारंटीन में भी रहेंगे। उत्तराखंड के कोटद्वार में बकरियों की अचानक बड़ी संख्या में मौत के बाद हड़कंप मचा। प्रशासन कर रहा है बीमारी की जांच, एहतियातन बकरियों को क्वारंटीन किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में सैनिटाइजर की खेप ले जा रही गाड़ी में भीषण आग लग गई। सैनिटाइजर की 5,000 बोतलें जल गयी, बाल बाल बचा ड्राइवर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा, लॉकडाउन के बाद भारत में एयर पोल्यूशन 20 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26.5 लाख हुई। 1,85,000 से ज्यादा हुई है मौत। WHO ने कहा, लंबे समय तक आते रहेंगे कोरोना के केस।
ब्रिटेन में आज कोरोना वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन का प्रयोग इंसानों पर होगा। ब्रिटेन में 5,000 लोगों पर टेस्ट की तैयारी है। 5 जून तक आएंगे नतीजे।